तो हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले डोरेमोन के मोस्ट मिस्टीरियस क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि डोरेमोन में जितने भी मिस्ट्रीज हैं उनमें के क्वेश्चंस। तो मोस्ट मिस्टीरियस क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट को इंजॉय करिए और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वैसे इंट्रो बहुत छोटा नहीं हो गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम इंट्रो को। तो यार डोरेमोन में बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चंस है, ये हम लोगों को पता है, तुम लोगों को भी पता है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब ठोक दो नहीं। और एक लाइक भी कर दो, और अगर इतना कर रहे हो तो कमेंट में नाइस भी लिख दो यार। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, आखिर डोरेमोन पे डोरेमोन के पास इतने खतरनाक गैजेट्स हैं, तो इतने खतरनाक गैजेट्स से वो पूरी दुनिया पर राज क्यों नहीं करता। यानी कि अगर किसी के पास इतने खतरनाक गैजेट्स हो तो वो उस दुनिया पे राज कर सकता है। चलो डोरेमोन नहीं, लेकिन बाकी के तो लोग हैं जो इस पे राज कर सकते हैं। और अगर आप कहो टाइम पर उन्हें रोक दिया तो आखिर वो एक बार क्राइम कर दे और पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर ले, और टाइम पुलिस तब भी कुछ नहीं कर पाएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यार ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। तो देखिए सोचिए, अगर आपके पास डोरेमोन का कोई गैजेट है जिससे पूरी दुनिया फ्रीज हो सकती है, तो आप पूरी दुनिया को फ्रीज करके कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया में कुछ भी। तो ये ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं करते उधर के लोग, ये बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आखिर डोरेमोन के पास इतने सारे गैजेट्स हैं, वो नोबिता के इधर रहता है लेकिन वहां के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई। 6 साल मॉस्को पैसा बर्बाद पहन, यानी कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनको डोरेमोन वहां पे रहता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि नोबिता मतलब वो बात अलग है कि नोबिता का फ्यूचर बदल रहा है डोरेमोन, फिर भी टाइम पुलिस उसे नहीं पकड़ती। लेकिन यहाँ के लोगों को तो समझना चाहिए ना कि ये हवा में उड़ रहे हैं भाई, ये इनके पास इतना खतरनाक गैजेट है, ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग इनको इग्नोर कैसे कर देते हैं भाई। अगर मेरे ना पड़ोस में अगर कोई डोरेमोन आ जाता तो मैं ढिंडोरा पीट देता भाई पूरे शहर में। यहाँ के लोग उसको इतना नॉर्मली कैसे रख लेते हैं, और ऊपर से वो 2 पैरों पे चलता है भाई, मतलब कोई ध्यान भी क्यों नहीं देता। ब्लू कलर का 2 पैरों पे चलने वाला एक रोबोट जो सबको बताता है मैं कोई रकून नहीं रोबोट हूँ, उसकी बात पर कोई यकीन क्यों नहीं करता भाई। और वैसे मेरे आज मेरे यहाँ बहुत ठंड है, आपके यहाँ भी होगी तो थोड़ा सा समझ लो मैं बहुत काँप रहा हूँ बीच बीच में। तो भाई उनके इधर के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, तो आखिर नोबिता इतने कम नंबर लाता है फिर भी उसे फेल क्यों नहीं करते भाई। और फेल छोड़ो, उसके मम्मी पापा तो उसे मारते भी नहीं। अगर मुझे 50 में से 35 भी मार्क आ जाए ना, तो मेरी मम्मी मुझे इतना डांटे कि मारेगी, पापा को बताएगी। लेकिन ये बच्चा भाई 0 लाता है, 0 फिफ्थ स्टैंडर्ड में होके, तो इसे कोई भी कुछ क्यों नहीं कहता भाई। मतलब मुझे बताओ, आखिर एक बच्चा पूरे साल में ओनली 0 लाए, बीच बीच में 5-6 मार्क ला दे, तो उसको आप सिर्फ डांटोगे या क्या करोगे? आपको आपके खुद से एंगल से सोचो भाई, क्या आप उसको क्या करोगे? तो भाई इतना ये कुछ करते हैं, इतना ये कुछ करती नहीं भाई उसको। अगर इतने 0 मुझे मिल जाते ना, तो मेरे मम्मी पापा मुझे शायद से ही घर में रखते हैं।